गुरु श्रेष्ठ होगा तो शिष्य श्रेष्ठ होगा। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। कौन से गुरु? केवल कान फूकने वाला गुरु नहीं, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने वाला भी गुरु है, वो गुरु भी। ऐसा ना हो कि वो शराबी हो, मवाली हो और वो जुवाड़ी और गंजेड़ी हो। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु कम गुरु ही कमजोर है, गुरु कोई ज्ञान नहीं। अब बताओ गुरु स्वयं प्राइमरी का है तो बच्चों को एमए क्या कराएगा? संस्कारों से तो गुरु जी खुद प्राइमरी से हैं, प्राइमरी के गुरु। संस्कारों की बात कर रहा हूं तो बच्चों को संस्कार का एमए थोड़ी कराएंगे। संस्कार के एमए कराने के लिए गुरु को पीएचडी करनी होगी संस्कारों की। और आज ऐसे गुरु बहुत कम, बहुत कम। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमारे भी गुरुजी हम लोगों को पढ़ाते थे, दसवीं क्लास में, नौवीं में, आठवीं में, सातवीं में, सब हमने भी पढ़ाई की है। तो हमने उस समय हमारे गुरुजी जन बड़े अच्छे थे। हमारे गुरुजी ना तो शराब पिया करते थे, ना गुटखा खाते थे, ना तंबाकू की आदत थी। और वो हम लोगों को बताया करते थे, बेटा नशा कभी नहीं करना चाहिए, सर्वनाश हो जाता है नशा करने वालों का। शराब कभी नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वालों का सर्वनाश हो जाता है। गुरुजी बताया करते थे, समझाया करते थे बच्चों को। हम लोग छोटे छोटे थे तब समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है कि देखो संस्कार केवल घर से नहीं बनते मैया। तुम अपने बच्चों को कितना भी संस्कार का इंजेक्शन लगाओ पर ज्यादा समय तो बच्चे स्कूल में गुजारते हैं, वहां का भी वातावरण, वहां के भी संस्कार अच्छे होने चाहिए। और आज स्कूलों में बच्चों को आप भेजते हैं, जरूर ये डिमांड किया करिए, हर माँ बाप को ये कहना होगा स्कूलों में कि आप जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो शराबी ना हो। इसलिए पहले पहले पढ़ाता कौन था, पहले पढ़ाई का जिम्मेदार कौन था? पहले केवल ब्राह्मण ही पढ़ाया करता था। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को पढ़ाया है, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने पढ़ाया है, पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। पहले ब्राह्मण पढ़ाया करता था क्योंकि ब्राह्मण धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ था। ब्राह्मण चाहता है कि मेरा शिष्य पढ़ लिख कर बड़ा बन जाए, बड़ा बन जाए। जब चेला बड़ा बनेगा तो अपने गुरु जी का सम्मान करेगा बड़ा बनकर। और जब चेला बड़ा, गुरु द्रोणाचार्य जी बड़े सीना तान के चलते थे, मेरा बेटा धनुर्धर, मेरा चेला धनुर्धर है। जब चेला कुछ कर जाता है ना तो गुरु को भी गर्व होता है, मेरा चेला है, मेरा पढ़ाया है। इसलिए गुरु बढ़िया होना चाहिए। और आजकल तो गुरु अब जान ही रहे हैं आप लोग, टीचर आते हैं सो जाते हैं, पांव पसार के सो रहे, गुरु जी सो रहे, जमहाई ले रहे हैं। संस्कार बहुत जरूरी है। ऐसे संस्कार दीजिए बच्चों को कि चरित्रवान बने। पहले की शिक्षा कैसी थी? आज हमारी लड़कियों को डर डर के जीना पड़ता है। पहले की शिक्षा ऐसी नहीं थी,
पहले की शिक्षा थी झांसी की रानी को तलवार चलाना सिखाया गया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अहिल्याबाई तलवार चलाना जानती थी कि नहीं, बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया, हजारों अंग्रेजों को धूल चटाया झांसी की अकेली लड़की ने। आपकी बेटी डरती है कोई लड़का ना आ जाए, छीना झपटी ना करे, अरे तुम लड़की को झांसी की रानी बनाओ, 10 आ जाए तो 10 को चित्त कर दे आपकी बेटी। आपने बेटियों को जूजू बना के रखा। आज की शिक्षा में कोई दम ही नहीं है। आज की शिक्षा केवल पैसे कमाने की शिक्षा है, बस आत्मरक्षा की शिक्षा नहीं है। पहले की शिक्षा आत्मरक्षा की होती थी, वेद पुराण का ज्ञान तो हो, आत्मरक्षा, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, कराटे सीखना, योग करना, ये आत्मरक्षा है। बीमारियों से बचने के लिए योग, बीमारी भी तो तुम्हारा दुश्मन है, बीमारी तुम्हारा दुश्मन है या नहीं। बीमारी से बचने के लिए योग सिखाते थे ऋषि मुनि गुरु, और दुश्मन से बचने के लिए तलवार सिखाते थे। झांसी की रानी भारत की लड़की थी, तलवार चलाना जानती थी कि नहीं। आज कहो सरकारों से वो भी बच्चियों को तलवार चलाना सिखाएं, ताकि वो अपनी रक्षा तो करें, डर डर के तो ना जिएं। हर स्कूल में 1-2 पीरियड कराटे के होने चाहिए, हर लड़की को कराटा सिखाओ, ताकि वो अपनी रक्षा तो करे, भागे ना, 4-6-10 से अकेली लड़ जाए।